क्या नाम है गुरुजी आपका? दीप। अच्छा, इस बार दीपावली मनाना किस दिन शुभ रहेगा? इस बार दीपावली किस दिन मनाना शुभ रहेगा? चतुर्दशी, गुरुवार, तारीख 31, 31 अक्टूबर, और महीना कौन सा था? अक्टूबर, अक्टूबर 24 को ही मनाना शुभ रहेगा। क्यों शुभ रहेगा पूछो? क्यों शुभ रहेगा? क्यों शुभ रहेगा? इसके विषय में ये है, शास्त्रकार कहते हैं यदि प्रदोष काल में दोनों दिन यदि अमावस्या हो तो वो पहले दिन वाली जो अमावस्या आ रही है प्रदोष काल में, उसी में कार्य दीपावली की लक्ष्मी पूजन करना चाहिए, क्योंकि प्रदोष काल में भी है और निश्चित व्यापनी रात्रि काल में भी उस दिन अमावस्या रहेगी। शुक्रवार के वो जो प्रदोष काल में है 6:12 और काशी के पंचांग के आधार में है 5:23 अमावस्या समाप्त हो रही है, तो वहां पर दूसरे दिन प्रदोष काल में जो विद्वत जन कह रहे हैं, किंतु उस समय केवल प्रदोष व्यापनी होकर के रात्रि व्यापनी नहीं है। हमको 31 तारीख के दिन प्रदोष व्यापनी भी है और रात्रि व्यापनी भी है हमारे दो राज। अच्छा, एक मैं पंडितों से निवेदन कर रहा हूँ, जो भी पंडित सुने मुझे उत्तर दे और बड़े शिष्टाचार दे। शिष्टाचार कोई भी विद्वत जन जिस समय 6:12 के बाद में 1 तारीख को यदि अपने यजमान को दीपावली का पूजन कराएंगे तो वो संकल्प में क्या बोलेंगे? मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, या बहुत सारे मंड बोलेंगे जो योग्य विद्वान होंगे, अमायाम चतुर्वरांत प्रतिपदायाम, जो बोलेंगे हमामे सूर्य नारायण होते हुए उसके बाद में पढ़ पाएंगे, तो वर्तमान तिथि तत्काल की गिराइया पुण्य कर्म में यज्ञ आदि कर्म में तत्काल की जो तिथि है वो ही बोली जाती है। तो वास्तव में यदि हम प्रतिपदा बोलेंगे तो हम अमावस्या तो नहीं भाई, तो बोलेंगे पढ़वा और कह रहे हैं दीपावली। इसीलिए मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ इस बात को सिद्ध करें और परस्पर में रागोद्वेष भावना को मिटा करके जो तो शास्त्र की बात है उसका अनुसरण करें और जनता में प्रचार करें। ये परस्पर के जो रागोद्वेष है उनमें निपट करके जनता का कल्याण करने की इच्छा करें। इस समय आपने जो बताया है दीपावली 31 अक्टूबर को मनाने के लिए, इसमें आपके किन किन विद्वानों ने आपके इस बात का समर्थन किया है? मैं निवेदन करता हूँ कि मेरे जो सहयोगी हैं जी, अथवा इस विषय के मेरे साथी हैं, वो पंडित श्री गोगले जी शास्त्री व्याकरणाचार्य जी और श्री मेघर श्याम जी शास्त्री, एक पंडित राजशेखर जी शास्त्री, एक श्री दिलीप कुमार जी शास्त्री, एक राजेश्वर जी मिश्र और एक गोपाल दत्त जी, मेरे साथ में जो भी हैं ये जो मेरे जो विचार हैं उनके विचार एक ही हैं। इसलिए हम सबों का विचार एक है और हम 1 तारीख के विषय में हम सहमत नहीं है, क्योंकि 1 तारीख को केवल प्रदोष में ही है, रात्रि में अमावस्या नहीं है, और हमारे 31 तारीख को प्रदोष में भी है और रात्रि में भी है। अगर दोनों दिन प्रदोष काल में हो तो पहले ही प्रदोष काल की अमावस्या ग्रहण की जाती है, ये शास्त्रों का सिद्धांत है, और दूसरे दिन ये माया बोलेंगे अमावस्या में पढ़वा बोलेंगे, बस पढ़वा बोलने पर ही वो पूजा कार्यक्रम शुभदायक नहीं होगा, सुखदायक नहीं होगा। आंधी वाले एडवोकेट पूर्व अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन। अच्छा, इस बार दीपावली उत्तर प्रदेश सरकार और हाई कोर्ट ने कब कब मनाने के लिए घोषणा की है? इस वर्ष माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपावली का त्यौहार 31 अक्टूबर 2024 को मनाने के लिए अवकाश घोषित किया है। जो पहले 1 तारीख को छुट्टी की थी, उत्तर प्रदेश शासन ने 1 तारीख की जगह 31 अक्टूबर का दीपावली का अवकाश घोषित करते हुए 1 तारीख को त्यौहार नहीं बनेगा, इसलिए उत्तर प्रदेश शासन ने 31 तारीख को दीपावली, 2 तारीख को गोवर्धन और 3 तारीख को भैया द्वाज की छुट्टी घोषित की है।
इसी तरीके से माननीय उच्च न्यायालय ने भी 31 तारीख को दीपावली मानते हुए अवकाश घोषित हुआ है और पूरे हिंदुस्तान में इस त्यौहार को 31 अक्टूबर को ही मनाए जाने का अधिकांश खबरें मिल रही हैं और जहां पूछ रहे हैं जिधर भी बड़े बड़े धर्माचार्यों से, चाहे बड़े बड़े अधिवक्ता हों, चाहे उत्तर प्रदेश शासन के बड़े बड़े अधिकारी हों, सभी से हमने बातें की तो सभी के द्वारा 31 तारीख को दीपावली का त्यौहार मनाए जाने के लिए कहा है और 31 तारीख को ही ये त्यौहार मनाया जा रहा है और इस 31 अक्टूबर को होने वाले दीपोत्सव के त्यौहार की हम शुभकामनाएं भी देशवासियों को प्रेषित करते हैं।